नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV20 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रुख करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक को पकड़ा, चालक और खलासी फरार हो गए हैं। UP 62 AT 6767 था, जो चारों तरफ से तिरपाल से बंद किया गया था और 14 चक्का में से 2 चक्का खुला हुआ था ताकि बाहर से मालूम पड़े कि खाली ट्रक है, लेकिन पुलिस द्वारा चेक करने पर अंदर 27 गोवंश पूरी तरह से जबरन बांध कर रखे हुए थे, जिसे थाना प्रभारी दिनेश कुमार सिंह ने हरियाणा पुलिस चौकी पर भेज दिया और घायल जानवरों को पशुओं के डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाया गया है। गोवंश की तस्करी करने वालों के खिलाफ हमारे यहाँ बड़ा अभियान हम लोगों ने छेड़ा हुआ है। पिछले दिनों में काफी लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, उन पे गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगाया गया है। इसी तरह फरिया चौकी ने भी कल एक गाड़ी में 31 गायों को लाद करके ले जा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया है। मैं उनके खिलाफ गैंगस्टर लगाऊंगा और कड़ी से कड़ी धाराओं में कोशिश करूंगा कि इनको दंडित करें। हाँ, ये ऐसा ही करते हैं। इसमें एनिमल्स क्रुएल्टी एक्ट भी हमने लगाया है, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी इसमें चलान होगा और भी हमने इनपे गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी करने के लिए हमने बोल दिया। उनको हम लोग गौशाला में भेजेंगे, अभी फिलहाल हम लोग गौशाला में रखवा देंगे।